अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस अरहमगुल फ्रॉम अरहमगुल ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो। एंड इस मोबाइल फोन को तकरीबन 2 या 3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। एंड आज हम बात करेंगे इस मोबाइल फोन के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। अगर हम यहाँ पर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 13,000 रुपीज़ के बजट में पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च किया गया है। एंड आज हम जानेंगे क्या 13,000 रुपीज़ के अंदर ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। चैनल बढ़ने का तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में आपको सबसे पहले ही मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.1 इंच का आपको डिस्प्ले देने के लिए मिल रहा है विद डॉट नॉच। आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर 6.1 इंच का साइज देने के लिए मिल रहा है, साथ में डॉट नॉच भी देने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 720p वाली रेजोल्यूशन देने के लिए मिल रही है। फुल HD प्लस यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिल रही, और ना ही हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जो सी प्राइसिंग है वो काफी कम रखी गई है। एंड 720p प्राइसिंग के साथ हिसाब से बिल्कुल ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। एंड अगर यहाँ पर हम बात करें इस मोबाइल फोन के साइज के दौरान में, जैसे आपको पहले बता दिया है कि 6.1 इंचेस का यहाँ पर आपको साइज देने के लिए मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रॉबैक की, जो मुझे देखने के लिए लगा है इस मोबाइल फोन का, वो ये कि इसके अंदर से बेजल्स हैं और इसके अंदर चिन है, वो आपको यहाँ पर काफी तरह थिक देखने के लिए मिलती है, जिससे ये मोबाइल फोन थोड़ा ट्रेडिशनल मोबाइल फोन लगता है। बट फिर से वही बात आ जाती है कि प्राइसिंग काफी ज्यादा लो है, तो हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस मोबाइल फोन से। बट अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले के अंदर मैं इस मोबाइल फोन को 10 out of 8 नंबर देता हूँ, बिकॉज के जो इसके बैजल्स हैं, जो चिन्ह है, वो काफी थिक देखने के लिए मिलती है, जिससे आपको थोड़ी सी ट्रेडिशनल फील आती है। बट ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो आपको अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। 720p रेजोल्यूशन के साथ आपको काफी अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें इसके कैमराज की, तो कैमराज आपको बैकवर्ड डुअल कैमरा, डुअल रियर फेसिंग कैमराज देने के लिए मिलते हैं। एंड अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें कैमराज की, तो मेन कैमरा जैसा होगा बैकवर्ड रियर कैमरा, उसके मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल होंगे, 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन होगी। और जो सेकंड होगा वो डेप्थ सेंसर के तौर पर काम करेगा, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर लगाया गया है, तो पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी देने के लिए मिलेगी। प्लस यहाँ पर आपको LED सेंसर भी देने के लिए मिल रहा है, LED फ्लैश यहाँ पर आपको देने के लिए मिल रहा है। एंड अगर फ्रंट के बारे में बात की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रंट पर डॉट नॉच को ऐड किया गया है। इस प्राइस टैग के अंदर डॉट नॉच को ऐड किया गया है, जो एक काफी अमेजिंग एंड यूनिक फीचर है। एंड यहाँ पर डॉट नॉच के अंदर आपको कैमरा देने के लिए मिलेगा, जिसकी मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन होगी। एंड इसके लिए जो सी रेजोल्यूशन है वो अच्छी रखी गई है, प्राइसिंग के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड रखी गई है। अब हम बात करते हैं रैम एंड रोम वेरियंट्स की। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज का इस मोबाइल फोन को लॉन्च किया गया है, जो काफी मिड रेंज और काफी नॉर्मल सा वेरिएंट है। एंड अगर हम बात करें इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मीडियाटेक का A22 का प्रोसेसर, जो कि एक काफी बड़े बड़े मोबाइल फोन ब्रांड पे यूज करते हैं। इस मोबाइल फोन को अपने लो मोबाइल फोन पे, लो बजट रेंज मोबाइल फोन आते हैं अंडर 20,000 रुपीज, जैसे इन्फिनिक्स है, इस तरह के मोबाइल फोन कंपनीज है, वो भी इस मोबाइल इस प्रोसेसर को यूज करती हैं। तो यहाँ प्रोसेसर इन्होंने काफी अच्छा लगाया गया। मैं ये नहीं कहता कि गेमिंग अभी काफी ज्यादा अच्छी होगी, बट फिर भी थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस देने के लिए मिलेगा। मतलब अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं देने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर यहाँ पर अच्छा यूज किया गया है प्राइसिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3000 mAh का बैटरी टाइम बैकअप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल है और काफी अच्छी बात है। इस प्राइस टैग के अंदर भी आपको 3000 के उन्होंने बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है, जो मुझे एक प्रो फीचर लगा है इस मोबाइल फोन का। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर एंड्रॉइड का 9 and 5 आपको यहाँ पर देने के लिए मिल रहा है OS, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस टैग में भी इन्होंने आपका एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन दिया है Android 9 Pie। तो ये इस मोबाइल फोन में काफी मतलब के प्रोफेशनल फीचर्स हैं, काफी अच्छी बात है कि कम प्राइस के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर टेक्नो ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये होगी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल फोन की। एंड अगर हम बात करें इस मोबाइल फोन के कंपटीटर्स की, तो इस प्राइस टैग में इस मोबाइल फोन का कोई भी कंपटीटर नहीं आता। हाँ, एक मोबाइल फोन आता है Xiaomi की तरफ से, Redmi Go, बट उसके अंदर आपको मतलब कि इससे कम स्पेसिफिकेशन देने के लिए मिलती है। वो अराउंड 12,000 रुपये का, 12,000 या 11,000 रुपये की प्राइसिंग में लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के अंदर। वो काफी देर पहले लॉन्च किया था, करीबन 2-3 महीने पहले लॉन्च किया था उस मोबाइल फोन को Xiaomi ने, और उसकी प्राइसिंग रखी गई थी करीबन 12,000 से 11,000 रुपये। बट उसके अंदर आपको इतनी अच्छी फीचर्स नहीं देने के लिए मिल रही, जितने अच्छे फीचर आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देने के लिए मिल रहे हैं 13,000 रुपीज़ की प्राइसिंग के अंदर। तो काफी अच्छा मोबाइल फोन ये होने वाला है। अगर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस के बारे में बात करें, तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, एक सिंपल से यूजर है, कोई एक्स्ट्रा हार्ड गेमिंग नहीं आप करते, और ना ही कोई इतने हार्ड एंड्रॉइड यूजर है, तो आपके लिए मोबाइल फोन एज अ प्राइमरी डिवाइस अच्छा चलेगा। बट अगर यहाँ पर आप एक हार्ड यूजर हैं एंड गेमिंग के तौर पर आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, तो ये मोबाइल फोन आपको बिल्कुल भी सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। आप इसको एज अ सेकेंडरी मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इन फ्यूचर में आपको नई वीडियोस नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।